Hey guys, welcome to my channel Beauty Tips and Recipes। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ एक हेयर केयर वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ एक ऑयल शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, आपके हेयर फॉल को भी प्रिवेंट करेगा और आपके बालों के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा। और अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये बेस्ट होने वाला है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा पैन ले लेना है। ये आपकी ऑयल की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर छोटा पैन लिया हुआ है। इसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर ऑनियन ऑयल। अगर आपके पास ऑनियन ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ऑनियन ऑयल होगा तो वो और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपके पास ऑनियन ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल ऐड करने के बाद उसमें अनियंस ऐड कर सकते हैं, तो ये ऑनियन ऑयल भी बन जाएगा। मैं आपको आगे बताते जाऊंगी कि आपको किस तरह से इसे प्रिपेयर करना है। मेरे पास यहाँ पर ये मामा अर्थ का ऑनियन ऑयल रखा हुआ है, इसीलिए मैं इसे ही यूज करने वाली हूँ और मैं इसे रेगुलर यूज भी करती हूँ। काफी अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ये वाला ऑयल नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस ऑयल को भी अगर लगाएंगे तो आपको हेयर फॉल में काफी अच्छे से कंट्रोल दिखाई देगा, काफी हद तक आपका जो हेयर फॉल है वो कम हो जाएगा। तो मेरे पास ये ऑलरेडी रखा हुआ है, इसीलिए मैं इसे ही यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस ऑयल की जगह पर कोकोनट ऑयल ऐड कर दीजिए। और ऑयल ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है प्याज, अगर आप सिर्फ कोकोनट ऑयल ऐड कर रहे हैं तो। मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऑनियन ऑयल यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर प्याज ऐड नहीं कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ ये मेथी दाना, जो कि इजीली आपको अपने किचन में मिल जाएगा और ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे पहले भी मैं आपके साथ काफी सारे रेमेडीज शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने मेथी दाना का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेथी दाना भी ऐड कर देना है। मैं लगभग यहाँ पर एक चम्मच ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ऑयल कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में मेथी दाना ऐड कर दीजिए। उसके बाद इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से इसे 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल होने देना है। ये जो मेथी दाना है इसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। जब ये हल्का सा चेंज होने लगे तभी आपको गैस को बंद कर देना है, क्योंकि जब ऑयल गर्म रहेगा तो हम गैस बंद कर देंगे, उसके बाद भी मेथी दाना का कलर जो है वो बहुत डार्क हो जाएगा, तो मेथी दाना बिल्कुल अच्छे से जल जाएगा उस टाइम पे। तो बस यहाँ पर 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसे बिल्कुल बंद कर दूंगी और इसे ऑयल को अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो ये देखिए जो ऑयल है वो हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है और जो मेथी दाना है उसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से जल चुका है, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर हो चुका है। और हमें इतना ज्यादा भी इसे नहीं बॉईल करना है कि ये बिल्कुल काला ही हो जाए। तो बस इसे अच्छे से स्ट्रेन करके आप किसी भी बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे महीनों तक यूज कीजिए, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। काफी अच्छे से ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, आपके हेयर फॉल को कम करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसे अच्छे से अपने रूट से लेकर टिप्स तक अपने बालों पर अप्लाई कीजिए। काफी अच्छे से ये आपके बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की भी बनाएगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे, आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिले तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।